नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल देव में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि मैं खेती किसानी से जुड़ी जो भी सरकार की स्कीमें होती है, जो भी योजनाएं होती है और जो भी कृषि संबंधित जो भी जानकारी होती है, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार देता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। CM सोलर पंप योजना, ये क्या योजना है, इसमें आपको कैसे आवेदन करना है, कैसे इस स्कीम का लाभ मिलेगा आपको। इस योजना बहुत ही अच्छी है, हर किसान भाई अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फायदा होता है और उससे आप बिजली बिल से एकदम छुटकारा पा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कैसे आवेदन करना पड़ेगा, आप इससे पूरी तरह बिजली से आप छुटकारा पा सकते हैं। आप कितने ही HP का आप सोलर कुकर लगवा सकते हैं, 1 HP से लेकर 10 HP तक का आप सोलर कुकर लगा सकते हैं। किस तरीके से आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी जानकारी आज के वीडियो में बताऊंगा और पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इस योजना का लाभ लेके कितने HP तक का आप ये लगवा सकते हैं। किसान भाई, आप लगातार बिजली बिल से किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लगातार देखा जाता है कि बिजली बिल से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सरकार बहुत ही अच्छी स्कीम लेके आई है, आप योजना का लाभ ले सकते हैं और बहुत ही कम कीमत में आप इस सोलर कुकर को लगवा सकते हैं। जो सोलर पंप की योजना है उसके तहत आप CM सोलर पंप योजना के तहत अपने खेत में सोलर पंप आप लगवाइए और पूरी तरीके से बिजली से छुटकारा पाइए। आप किसी तरीके की मोटर उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल में आज आपको बताऊँगा। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना है। किसान भाइयों, सोलर पंप योजना का लाभ लेने के लिए, जो CM सोलर पंप योजना का लाभ लेने के लिए आपको किस तरीके से आवेदन करना है और क्या क्या स्कीम है, उसके लिए आपको कोई सा भी अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। जैसे हम अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं CM सोलर पंप, ये नीचे सर्च में आ गया। हम इस पर क्लिक करेंगे किसान भाइयों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले ही आ जाएगा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आता है। तो इसमें आपको पूरा जानकारी दिए जाती है कि प्रदेश में किसानों के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पंप स्थापना का लक्ष्य सरकार का, तो ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसके नीचे जाएंगे तो ये प्रक्रिया लिखी है आवेदन की, आपको किस तरीके से प्रक्रिया करनी है। तो सबसे पहले पंजीयन करना होगा, फिर इसके बाद पंजीयन करने के बाद आपको आवेदन करना होगा या अप्लाई करना होगा, फिर आपको सरकार की स्वीकृति मिल जाएगी उसमें, और इसके बाद आपके पंप की स्थापना हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ये आवेदन करने के लिए दिया गया है। इससे पहले मैं आपको नीचे चल के बता देता हूँ कि क्या क्या इसकी में ये आवेदन, कुल आवेदन अभी तक कितने हुए हैं और आवेदन कुल प्राप्त आवेदन, ये बीच वाला जो दिया है कुल प्राप्त आवेदन है और इतने कुल स्वीकृत आवेदन, इतने तक अभी तक स्थापना हो चुकी है, तो ये पूरा लिस्ट दी है। इसमें आप सोलर पंप सिस्टम के प्रकार बताए हैं कि A1 HP HP DC सबमर्सिबल का आप अगर लगवाते हैं तो आपको कितने का पड़ेगा और उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। तो आपको पूरी ये लिस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 HP से लेके आप 10 HP तक का पूरा डिटेल इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल दी गई है। आप इसमें आपको स्टार्टिंग में आपको आवेदन जब आप करेंगे तब आपको 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। शेष राशि आप अपने हिसाब से जिस उस पर चॉइस करना चाहते हैं, उस जैसा आप जितने HP से आप चॉइस करेंगे उस हिसाब से आपको चार्ज, बाकी चार्ज आपको देना पड़ेगा, वो आपको स्वीकृति, सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद आपको देना पड़ेगा। आप देख लीजिए ये पूरा दिया हुआ है, 2 HP DC सबमर्सिबल सरफेस 23,000 का आपको पड़ेगा, 10 मीटर के लिए 1,98,000, सेट ऑफ डायग्नोमिक हेड 12 मीटर। ये पूरा लिस्ट आपके सामने मैंने वीडियो में लाया हूँ,
यहाँ पे आप पूरी डिटेल इससे निकाल ले देख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं आवेदन किस तरीके से करना है। चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको आवेदन किस तरीके से करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। ये आपको दिया हुआ है कि नवीन आवेदन पोर्टल, जो नए आवेदन हैं उसके लिए आपको ये दिया गया है। ये इसमें दूसरा जो कॉलम आएगा उसमें इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। आप जैसे ही MP ऑनलाइन या कहीं से भी आवेदन करेंगे उसमें आप अपना यह मोबाइल अंकित करेंगे इस जगह पे, तो आपको एक OTP प्राप्त हो जाएगा। उस OTP को अपने मोबाइल में देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे आवेदक का नाम डालना होगा। यहाँ पे इंग्लिश में नाम डलेगा, यहाँ पे हिंदी में पिता पति का नाम, जिला, तहसील, गांव, लोकसभा, विधानसभा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक। इसके बाद चौथे कॉलम में आप जैसे ही पहुँचोगे तो यहाँ पे भी आपको सामान्य जानकारी, आपको सोलर आवेदक होम की आपको सामान्य जानकारी आपको यहाँ पे भी भरनी पड़ेगी। इसके बाद पांचवे कॉलम में आप चले जाओगे तो ये पूरा आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर कृषक का आधार, IYC बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी, जाति, स्वघोषणा, जमीन से संबंधित खतरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज करानी होगी, जिसके प्रत्येक चरण नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है? आधार ई की किसी भी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के लिए बेकायसी किया जाता है कि अंग्रेजी शब्द नाउ योर कस्टमर का छोटा रूप है। योजना के प्रावधानों के अनुसार आधार आधारित आई बेकायसी आई की किया जाना आवश्यक है। आधार आधारित ई KYC करने व्यक्ति की पहचान संबंधित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जिससे आवेदन को किसी भी तरह की अन्य पहचान प्रमाण को जमा करने की ज़रूरत होती है। इसे करने के लिए दो ऑप्शंस उपलब्ध हैं, एक OTP द्वारा, एक बायोमेट्रिक पंच द्वारा। तो किसान भाइयों, यहाँ आप दो तरीके से आप वो कर सकते हो। आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर अंकित किया होगा तो आपका आधार नंबर अगर मोबाइल से अटैच होगा तो आपको आधार पे OTP, जिस मोबाइल आधार से अटैच है उस पे OTP प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो आपको बायोमेट्रिक पंच थम के द्वारा आपको यहाँ पे OTP प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आवेदन करने के लिए अपना आधार नंबर डालना होगा, फिर आप सेंड OTP पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको OTP मोबाइल में प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। किसान भाइयों, यहाँ आपको बैंक की जानकारी डालनी पड़ेगी। आवेदक की बैंक संबंधित जानकारी का उद्देश्य यह है कि यदि प्रकरण योजना अंतर्गत स्वीकृत नहीं होता है या कृषक भविष्य में योजना अंतर्गत लाभ नहीं लेना चाहता है तो पंजीकरण शुल्क जमा किए गए कृषक अंश को दिए बैंक अकाउंट में वापस जमा किए सके। यहाँ पे आपको इसलिए जानकारी दी ली जा रही है, ये वाली बैंक की आपको जानकारी, कि जैसे आपको स्वीकृति मिलने के द्वारा, सरकार के पास स्वीकृति मिलने के बाद अगर आप इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में आपने जो 5,000 रुपये आप जमा करेंगे, स्टार्टिंग में आपको 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। इसके बाद स्वीकृति मिलने के बाद जो कंपनी के लोग होते हैं वो आपसे संपर्क साधेंगे और जो लैंड होता है देखने का कि किस जगह पे आपको निर्माण करना है, वहाँ पे पहुँच के लैंड देखने के बाद आपको बाकी सब जमा करनी पड़ती है। इसके बाद अगर आप नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो डिटेल दी गई है उस पे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। समग्र जानकारी बैंक कर्म के, इसके लिए ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि डालना ही है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। जातिगत जानकारी, यहाँ पे आपको जाति का चयन करना है, ये अनिवार्य है, आपको ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद खसरा मैपिंग की जानकारी, योजना प्रावधान अंतर्गत राज्य में किसी भूमि पर योजना का लाभ ले सकते हैं। धारित कृषि भूमि के सत्यापन के लिए आवेदन के आधार नंबर से लिंक खसरे जो कि यहाँ दी गई सारणी में आ रहे हैं, मैं किस खसरे में सोलर पंप लगाया ना जाना प्रस्तावित है को चुनना होगा। यदि भू अभिलेख के खसरे प्राप्त नहीं होते हैं तो आवेदक अन्य खसरे चुन सकता है एवं आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। चुने गए अन्य खसरे का सत्यापन अलग से किया जा सकता है। यहाँ पे आपको खसरे का अपने आधार से खसरे नंबर जो जुड़ा होता है उसकी जानकारी आपको देनी है। आधार से जुड़ने खसरे प्राप्त होना,
यहाँ पे आपको ये डिटेल डालनी है। आपको यहाँ पे खतरा नंबर, आधार से जुड़े जो खसरा आपका भूमि का खसरा नंबर होता है वो आपके आधार से लिंक होता है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर डालनी पड़ती है। आपको यहाँ पे जिला डालना पड़ता है, तहसील नाम डालना पड़ता है, आपका गांव कौन सा है, हल्का नंबर आपको डालना, बसरा क्रमांक, भूमि स्वामी, खसरा क्षेत्र, खसरा और भूमि प्रकार, किस प्रकार की भूमि, ये सब आपको यहाँ पर आपको डालनी पड़ती है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल, यदि संबंधित कृषक के खसरे आधार से संलग्न नहीं है तो अन्य खसरे लिंक करने के क्लिक करें बटन, क्लिक करने से सिस्टम आपको निवेश, अगर आपके पास जिस लिंक, जिस जो आपने डिटेल डाली है उससे अगर आधार नंबर लिंक नहीं है तो आप दूसरा भी ऑप्शनल होता है उसको भी आप डाल सकते हैं। अगर आप दूसरे चुनते हैं तो इस तरीके का पेज खुल के आता है सामने। आप यहाँ पर ज़िले का चयन करें, तहसील का चयन करें, गाँव का चयन करें, खसरे का चयन करें, यहाँ पे आप करेंगे तो आगे की आपकी प्रक्रिया हो जाएगी। आपके द्वारा चुने गए ब्रह्म सत्यापन को सुरक्षित करें, यहाँ पे आपको डिटेल पूरी आपकी खुल के आ जाएगी। आप अगर सही है तो आप इसको खसरे को चुन सुरक्षित कर सकते हैं। इस पूरे आपको टिक करना पड़ेगा, यहाँ पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं या क्रॉस करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको आता, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जा रही उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है, वह चेक बॉक्स को चुनकर स्वप्रमाण देते हुए खसरे सुरक्षित बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको ये अपने सोलर पंप की जानकारी, अतः में चाहे गए सोलर पंप की जानकारी नीचे दिए गए फॉर्म के अनुसार दर्ज की जानी होगी। यह उल्लेखीय खसरा नंबर बिल्डर में केवल वही खसरे नंबर आवेंगे जो कि पूर्ण रूप में जुड़े होंगे। यहाँ पे आपको ये सोलर पंप की जानकारी के लिए यहाँ पे खसरा नंबर का चयन करना होगा। आपको विद्युत कनेक्शन का नंबर करें यहाँ पे ये आपको निजी आपकी जो जानकारी है वो पूरी डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप सोलर पंप सिस्टम का प्रकार चुनेंगे, आपको कौन सा प्रकार चुनना है, टेबल पर कृषक की अंश राशि आ जाएगी। यहाँ पे आपको ये चुनना होगा कि आप कितने HP DC सरफेस का कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा उस पर, तो इस तरीके का आ जाएगा। आप सुरक्षित करें कि क्लिक करके आवेदन के अंतिम चरण में जा सकते हैं। इसको आप अगर सुरक्षित करते हैं तो आप आवेदन के अंतिम चरण में पहुंच जाएंगे। इसके बाद जानकारी एक नज़र में, ये आपकी पूरी जो जानकारी आप भरेंगे यहाँ पे पूरा आपको दिख जाएगा और फॉर्म इस तरीके का स्टार्टिंग में खुल के आएगा। जो जो आप जानकारी रहेंगे वहाँ पर ग्रीन इस तरीके का टिक आता जाएगा, ये आपने पूरी जानकारी दी है। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा, कृपया जानकारी जांच कर आवेदन को सुरक्षित करें। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे ये गोल दिया है, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद इसको प्रिंट आउट आप पूरा निकाल सकते हैं। इस तरीके के आप पूरी तरीके से MP ऑनलाइन के द्वारा, इसके अलावा आप अगर कोई भी और जानकारी इसमें पढ़ना चाहते हैं तो ये पूरी जानकारी लिखी हुई है, कितना आपको पे करना होगा, किस तरीके से काम होगा, कितना समय लगेगा। लगभग इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों 1 महीने का समय लग जाता है और इस और एक कभी कभी इसमें थोड़ा ज़्यादा समय भी लग जाता है, कभी 2-3 महीने, 120 दिवस लगभग भी लग जाता है। लेकिन ये योजना काफ़ी अच्छी है और इस योजना से आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। आपको पूरी तरीके से बिजली बिल बच सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस कृषक भाई ने ये सोलर पंप का निर्माण कराया है उसको किस तरीके से इसका फ़ायदा मिल रहा है। किसान भाई, अभी अभी ये नए कृषक ने इस सोलर पंप का निर्माण कराया है, तो ये पूरा उसका जो निर्माण हो रहा था उस समय की कुछ तस्वीरें मैं निकाल के आया हूँ। उसके साथ पूरा कनेक्शन कंपनी आपको देती है, सरकार, मोटर, इसके बाद स्टार्टर, पूरा कनेक्शन आपको करके देती है। और इसके बाद आपको पानी, सिर्फ मोटर ऑन करना है और आपको पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा काम कंपनी के लोग करके देंगे। ये कुछ मोटर वगैरह के फ़ोटो, ये स्टार्टर इस तरीके का रहेगा, इस तरीके का आता है। ये निर्माण में आपको ये पूरी इस तरीके का दिखेगा कि किसके नाम से है, पूरी उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद ये देखिए, कृषक भाई इतना
ये 3 HP के जो कनेक्शन करवाया है कृषक भाई ने, उनकी इतना ये इस तरीके का पानी उसकी मोटर बिल्कुल निरंतर दे रही है, 12 घंटे तक चलती है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक योजना काफ़ी अच्छी है और पूरा कनेक्शन कंपनी आपको करके देती है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आवेदन करना है किसान भाई। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्राप्त कराई।